How are you? I am Jiten Kumar, your maths teacher. Today we will discuss class 6 topic integers exercise 4.1. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन. ये जो फॉलोइंग इंटीजर्स दिए हैं, मतलब इंटीजर्स आपको गिवन है. पहला क्वेश्चन इसमें 4, इसको नंबर बाय लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, नंबर लाइन एक ड्रा करेंगे. क्या ड्रा करेंगे, एक नंबर लाइन हमने ड्रा करी. सपोज एक नंबर लाइन हमने ड्रा कर दी, ठीक है. ये क्या है, जीरो, ठीक है. अब जीरो से क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, मतलब पीछे. इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स होंगे, और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे. और जब राइट हैंड साइड में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हमारा इंटीजर है, इसलिए हम लोग इसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड पे. तो यहाँ से हम लोग एक फिक्स डिस्टेंस पे मेजर कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है. और मुझे रिप्रेजेंट कहाँ करना है, 4 पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है. तो 4 पॉइंट हमारा कहाँ, ये दिया हुआ है, ठीक. तो नंबर लाइन पे जो 4 पॉइंट हमारा, ये वाला इंडिकेट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर हो गया. अगला क्वेश्चन बी नंबर दिया है, माइनस का 8. माइनस 8 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है. उसका हमने पॉइंट ये जीरो मान लिया. जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे नेगेटिव, तो माइनस का 1, ठीक है. और लाइन ड्रा करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है. और इधर जाएंगे तो प्लस का 1, 2, 3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखिए -8 रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पर ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, -8 हो गया, ठीक. तो ये हम लोग क्या करें, इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आर इन द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. ये इंटीजर्स आपको गिवन है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आर इन द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -9, -10, -5, 0, 3, 5 और -7. देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ORDER. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे छोटा नंबर राइट करेंगे, तो सबसे छोटा हमारा क्या है, -10, then -9, then -7, -5, 0, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 numbers हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है. तो ये हमारे इंटीजर्स किसमें हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. इट मीन्स बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ठीक है. अरेंज द इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा राइट करेंगे. इसका बी पार्ट हम लोग देखते हैं, -157, -515, -175, -175, -571, ठीक है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने का प्रोसेस देखिए क्या है स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा. तो इसमें बड़ा वही नंबर होगा जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव्स में है. नेगेटिव में जितने नंबर छोटे हमारा जीरो के नियर अबाउट होगा, वो उतना ही नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा. तो सबसे
स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, देखिए 157, 517, 715, 175 से माइनस 751, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, माइनस का 157, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, माइनस का 175, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, 517, माइनस का 517, इसके बाद माइनस का 715, ठीक है, नेक्स्ट वन माइनस का 751, ठीक है, तो ये नंबर्स हमारे किसमें हो गए, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हो गए, ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर टेन में क्या दिया हुआ, एक नंबर लाइन गिवन है, ठीक है, इस नंबर लाइन को देखकर आपको आंसर देने हैं, ठीक है, तो देखिए एक नंबर लाइन हम लोग ड्रा करते हैं जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, और हमें आपको बना के दिखाना पड़ेगा तभी मैं बता पाऊंगा इसको, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, 1 यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये इधर जाएंगे हम लोग, क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है कूलर को, कूलर मतलब होता है ठंडा पॉइंट होगा, और इधर जाएंगे जीरो के, इधर जाएंगे तो वार्मर मतलब गर्म पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर स्केल डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ये आपको यहाँ क्या दिया है, टेम्परेचर स्केल डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अब देखिए इसके आंसर क्वेश्चंस गिवन है, इसको आंसर देने हैं हमको, पहला क्वेश्चन दिया, लुक एट द अबव स्केल एंड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन दिया विच इज वार्मर, इनमें से कौन सा गर्म होगा, विच इज वार्मर, दिया क्या है 3 डिग्री सेल्सियस और -1 डिग्री सेल्सियस में कौन सा गर्म होगा, तो देखिए वार्मर वाला हमारा 0 से पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ये 3 डिग्री हमारा पॉजिटिव है, और -1 डिग्री क्या है कूलर में आ जाएगा, तो हमारा इसमें आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, वार्मर गर्म होगा, ठीक है, नेक्स्ट बी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बी चीज है कूलर, इसमें से कौन सा ठंडा होगा, वेज एज कूलर क्या दिया, -4 डिग्री सेल्सियस और -6 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस और -6 डिग्री सेल्सियस में कौन सा ठंडा ज्यादा होगा, तो देखिए हम जितना 0 से जितना दूर जाएंगे उतना ही वो ज्यादा ठंडा होता चला जाएगा, तो इसमें देखेंगे -4 डिग्री क्या है 0 से नियर अबाउट है, और -6 डिग्री 0 से क्या है ग्रेटर है मतलब ज्यादा डिस्टेंस है, इसलिए वो क्या होगा ज्यादा ठंडा होगा, तो -6 डिग्री सेल्सियस इज कूलर ज्यादा से ज्यादा ठंडा होगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन सी नंबर है, बीच टेम्परेचर इज लोअर, कौन सा टेम्परेचर लोअर होगा, लोअर मतलब है कम होगा छोटा होगा नीचे होगा, ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, बीच टेम्परेचर एज लोअर -5 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इन दोनों में कौन सा हमारा लोअर होगा, तो -5 इधर दिया हुआ है और -8 हमारा आगे रिप्रेजेंट करेंगे तो -8 इससे 7 से आगे जाएगा, तो ये लोअर पूछा गया है, सबसे नीचे क्या होगा, तो -8 डिग्री सेल्सियस होगा, ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।